विस्तार से खबरों को देखेंगे। इंदौर का सबसे पहले जिक्र करते हैं, बेखौफ यहां पर बदमाश हो चुके हैं। महिला से सरेराह चेन स्नैचिंग की कोशिश की गई है। बाइक सवार बदमाशों ने यह कोशिश की और बदमाशों से महिला डॉक्टर भिड़ गई। तो आप ये देखिए कि महिला की बहादुरी यहां पर सामने आई, जहां वो भिड़ गई बदमाशों से और आखिर में चेन छोड़कर बदमाश भाग खड़े हुए। देखिए, बदमाश आए थे लूट के इरादे से, महिला से सरेराह चेन स्नैचिंग की कोशिश उन्होंने की, लेकिन बाइक सवार बदमाशों के मंसूबे नाकाम हो गए। जी हां, बदमाशों से भिड़ गई महिला डॉक्टर और उसने पीछा नहीं छोड़ा और आखिरकार चेन छोड़कर बदमाशों को भागना पड़ा। और ये तस्वीर भी सामने आई है, आप देखेंगे, जहां वीडियो में साफ तौर पर बदमाश महिला से चेन स्नैचिंग की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर महिला की चेन छुड़ाने की कोशिश और महिला भिड़ गई बदमाशों से, लेकिन महिला ने हार नहीं मानी और आखिरकार बदमाश चेन छोड़कर ही यहां से 9-2-11 हो गए। पूरा घटनाक्रम पास में ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ और ये स्थान देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई प्राइवेट ही कॉलोनी है। और अगर इतने शांत एरिया में भी बदमाश पहुंच रहे हैं लूट के इरादे से, तो वाकई में काफी चिंताजनक है। इंदौर में एक और घटना सामने आई है। अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में, आर्थिक राजधानी में भी हम लगातार ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, अपराध का ग्राफ लगातार आर्थिक राजधानी में बढ़ रहा है, एक और तस्वीर सामने आई चेन स्नैचिंग की, हालांकि बहादुरी महिला की यहाँ पर साफ तौर से नजर आई है। देखिए, पूरा जो घटनाक्रम है ये लसुड़िया थाना क्षेत्र के महालक्ष्मी नगर की है और बेखौफ बदमाशों की ये तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें बेखौफ बदमाश घर के बाहर, जो एक डॉक्टर है, डेंटल डॉक्टर है पूजा गुप्ता, वो अपने घर के बाहर टहलते वक्त फोन में बात कर रहे थे, उनसे चेन स्नैचिंग का प्रयास करते हैं और चेन स्नैचिंग के वक्त भी महिला डॉक्टर जो है उनसे भिड़ जाती है बदमाशों से और महिला की सास को सलाम, वो डरती नहीं है बेखौफ बदमाशों से, वो भिड़ती रहती है और आखिरकार बदमाशों को वहां से भागना पड़ता है। और वो जो उसके कुछ तस्वीर है वो सामने आ चुकी है और ये लगातार ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि इंदौर में जो बदमाश है वो बेखौफ हो चुके हैं। लगातार चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, तमाम जो बड़े अपराध हैं वो इंदौर से सामने आ रहे हैं। तो लगातार इंदौर के जो अपराधी हैं, इंदौर पुलिस कमिश्नरी को चुनौती दे रहे हैं, अपराध पर लगाम नहीं है, बेखौफ बदमाश खुलेआम अपराध की घटना को अंजाम दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका मिथिलेश तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर सी बात है कि अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन यहां पर महिला की बहादुरी और चेन लूटने में नाकाम साबित हुई बदमाश। नई नवेली दुल्हन अपने मायके जाने के लिए निकली, लेकिन वो मायके नहीं पहुंची बल्कि जंगल में उसकी लाश मिली है। जेवर भी गायब थे, लूट के बाद मर्डर की यह वारदात नहीं थी बल्कि इस कत्ल के पीछे था थप्पड़ का बदला मर्डर। आखिर नई नवेली दुल्हन की हत्या करने वाला कौन है? खुलासा होश उड़ा देगा। देखिए रिपोर्ट। नई नवेली दुल्हन का कत्ल जंगल में मिली लाश, एक जिद बनी मौत, थप्पड़ का बदला मर्डर। एक्स लवर का खूनी खेल, रतलाम का सनकी आशिक। इस जंगल में नई नवेली दुल्हन की लाश मिली, जिस महिला की शादी को महज 2 महीने हुए थे। गला दबाकर महिला का कत्ल किया गया था। आखिर कातिल कौन है? शक के दायरे में महिला से जुड़ा हर एक शख्स था। वारदात के बाद जेवर भी गायब थे, क्या लूट के इरादे से किसी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया? सवाल ये भी कि नई नवेली दुल्हन जंगल में पहुंची कैसे? रतलाम के बाजना में इमलीपाड़ा के जंगल में लाश मिली। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी, तो ये लगभग 2-3 दिन पहले जो है वो इसका पति इसको बाजना छोड़ के गया था कि भाई ये जो है वो अपने घर चली जाएगी, मगर 2-3 दिन तक जब वो घर पे नहीं आई तो उसके बाद में जब उसकी बुआ सास है रतलाम से उसने फ़ोन किया कि लड़की आई कि नहीं आई करके, तो तब उनको पता चला कि लड़की आई नहीं है, उन्होंने ढूंढना शुरू किया। ससुराल वालों से पूछताछ हुई, महिला के पति ने बताया कि वो अपनी पत्नी को
बांचना बस स्टैंड पर छोड़कर गया था उसके मायके जाने के लिए, लेकिन शादीशुदा महिला मायके नहीं पहुंची, बल्कि उसके कत्ल की एक खबर आई। कॉल डिटेल्स में हत्या का सुराग था। पुलिस की माने तो नवविवाहिता अपने एक्स प्रेमी राजू खराड़ी से मिली और उसके बाद उसकी लाश मिली। जो इमलियापाड़ा खुर्द करके जगह है उसके बाजू में ही एक हिलटॉप टाइप का है, वहां पर लड़की की लाश मिली। लाश मिलने पे पुलिस के द्वारा मर्ग कायम किया गया। पूछताछ करने पे घाटा खेरदा का एक राजू खराड़ी करके एक व्यक्ति है जो पहले भी इसके पीछे आते आता रहता था और इनका मतलब एक प्रेम संबंध रहा है पहले। हत्यारा एक्स लवर राजू ही था जो शराब के नशे में था, एक जिद कर रहा था शादीशुदा एक्स प्रेमिका को अपने साथ रखने की जिद। ये बात एक्स प्रेमिका को नगवार गुजरी और उसने अपने पूर्व प्रेमी को चार्टर रसीद कर दिया। बस ये थप्पड़ इंतकाम बन गया और गला दबाकर एक्स प्रेमिका की ही राजू ने हत्या कर दी और जेवर लेकर फरार हो गया। राजू जब वहाँ पे आया था तो वो शराब के नशे में था। उसके बाद में जब इनकी बात बात हुई तो इसने प्रमिला ने जो है वो इसको चाटा मार दिया। चाटा मारने के बाद में जब ये गुस्सा हुआ तो उसने उसको मारा। मारने के बाद में लड़की जो है वो नीचे गिरी, सिर पे लगा, उसने उसका गला घोट दिया। रतलाम का ये सनकी आशिक और इसकी जिद और जुर्म ने इसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। रतलाम में सुधीर जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।